कुछ ही दिनों में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। भारतीय टीम इस अहम टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट गई है। 4 मैचों की इस सीरीज को जीतने के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। दोनों टीमों का जोर स्पिन से निपटने पर है, इसलिए कंगारुओं और भारतीय बल्लेबाजों को अभ्यास का ध्यान स्पिन गेंदबाजों को खेलने पर केंद्रित हो रहा है। इस बीच टीम इंडिया भी स्पिन प्रैक्टिस करने के लिए स्पिनर्स को अपने खेमे में जोड़ चुकी है। भारतीय प्रबंध ने 6 स्पिन गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है। 9 फरवरी से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। 4 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। वही भारतीय खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के लिए कमर कस ली है और इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों के अभ्यास सत्र में बदलाव किया है। उन्होंने नेट प्रैक्टिस के लिए 6 स्पिनर्स को खेमे में शामिल किया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभ्यास के लिए अतिरिक्त तेज गेंदबाजों की जरूरत के बारे में नहीं सोचा गया है। तो किन खिलाड़ियों को भारतीय टीम ने अपने साथ जोड़ा है, तो चलिए बताते हैं आपको। भारतीय टीम ने वाशिंगटन सुंदर, सौरभ कुमार, राहुल चाहर, साई किशोर, जयंत यादव और पुलकित नारंग को नेट बॉलर के तौर पर भारतीय टीम के साथ जोड़ा है। बोर्ड ने एक भी अतिरिक्त तेज गेंदबाज का चयन नहीं किया है, क्योंकि सीरीज के लिए टीम में 4 स्पिनर्स पहले से ही मौजूद थे। रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को VGT का हिस्सा बनाया गया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा, KL राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KS भरत, ईशान किशन, आर अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट और सूर्य कुमार यादव। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजी से निपटने के लिए जोरदार तैयारी कर रहे हैं।